अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 1.3 हमने स्टार्ट की हुई थी एक्सरसाइज, आज कंप्लीट करेंगे। बस तो थोड़ी सी हमारी रहती है, तो 26 तक हो गए थे, आज क्वेश्चन 27 करेंगे हम। क्वेश्चन 27 हमारे पास क्या है, एग्जामिन वेदर द गिवन फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। हमने चेक करना है कि x इक्वल टू 0 पे जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है, ये हमने चेक करना है। तो एफ ऑफ एक्स हमें गिवन, एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 + 3x और 1/x, जब इफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड e की पावर 2 इफ x इक्वल टू 0 के। तो कंटिन्यूस फंक्शन हमने चेक करना है, तो पहले हम फंक्शन कर लेते हैं किस पे, 0 पे चेक कर लेते हैं। 0 पे फंक्शन क्या है, जब x 0 है तो हमारे पास फंक्शन क्या है, e का स्क्वायर, ठीक है। तो अब लिमिट हम निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 + 3x और 1/x, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 + 3x। आपको हमने पहले भी क्वेश्चन किया था कि जो हमारे पास फंक्शन होगा उसी फंक्शन का जो है उलट, अगर वो हमारे पास पावर में हो जाए तो उसकी वो e के इक्वल आ जाता है, वो e² के इक्वल आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 1/x है, तो 3 पे डिवाइड कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 एक ही हो जाएगा, 3 पे डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई हमने किया है। तो लिमिट x टेंड टू 0 1 + 3x ये पावर हो जाएगी 1/3x और होल का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अभी जो अंदर वाला फंक्शन है ये हमारा e के इक्वल है, क्योंकि x टेंड लिमिट x टेंड टू 0 1 + 3x, जो x के साथ जो भी चीज़ होगी उसका अपोजिट, उसका उलट 3x है तो 1/3x अगर ऊपर है तो ये फंक्शन हमारा ये हो जाता है e के इक्वल आ जाता है। अपने पहले भी ये क्वेश्चन किए थे, तो ये हमारा पूरी जो इसकी वैल्यू e आ गई है और इसका फिर ये क्यूब आ गया, ठीक है, क्योंकि f ऑफ 0 जो है इसके इक्वल नहीं है, e क्यूब जो है वो नॉट इक्वल टू e², हैंस गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, गिवन फंक्शन जो कंटिन्यूअस नहीं है। ये बेटा बिल्कुल सेम आपने 34 था, बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चन करने, बहुत ईजी है क्वेश्चन। 35 हम करते हैं, तो 35 हमें क्या गिवन है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² के, ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स हमें ये गिवन है और जी ऑफ एक्स हमें गिवन है -4 इफ़ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स -4 मॉड किसके इक्वल है, कब, व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। हमने डिटरमाइन क्या करना है कि एफ कंपोजिशन जी एंड जी कंपोजिशन एफ आर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। हमने ये फाइंड करना है कि ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू 0 पे। तो निकाल लेते हैं पहले एफ कंपोजिशन, हम जी निकाल लेंगे। ये कंपोजिशन वाले बेटा हमने क्वेश्चन सेकंड ईयर में भी किए थे, बिल्कुल सेम ऐसे कंपोजिशन वाले करने हैं हमने। तो एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ, अब हमने पहले जी ऑफ एक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स लेस देन 0 के लिए क्या है, -4, कब है, जब इफ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस फोर मॉड, ये कब है, जब एक्स है ग्रेटर देन 0 के। एफ जी ऑफ एक्स हमारे पास ये है, तो जी ऑफ एक्स की हमने दोनों वैल्यू पुट करनी, एक हमारे पास क्या है, दो वैल्यू दी हुई हमें जी ऑफ एक्स, एक क्या है -4 कब है, जब एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, फिर एक्स माइनस फोर मॉड है, कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब हम लेफ्ट लिमिट निकाल लेंगे और राइट लिमिट निकाल लेंगे एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स पे, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव लेफ्ट लिमिट हम निकाल लें एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, पहले हम इस पे लिमिट डाल लेते हैं, ठीक है। तो एफ हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, लिमिट
एक्स टेंस जीरो नेगेटिव, माइनस फोर मतलब कि एक्स हमारा क्या है, एक्स स्क्वेयर है, तो माइनस का फोर क्या हो जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एफ के हमने इस पे निकालनी है, तो एफ बाई फंक्शन है, हमने ये वाली जो वैल्यू है जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे एफ़ में, बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे हमने ये सेकेंड ईयर में क्वेश्चन किए थे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। सेम सब राइट लिमिट हम निकाल लेंगे, लिमिट एक्स टेंस जीरो प्लस एफ़ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, तो प्लस के लिए हमारे पास कौन, ये नेगेटिव के लिए थी माइनस फोर, प्लस के लिए कौन सी, एक्स माइनस फोर मॉड का स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये लिमिट एक्स टेंस जीरो पॉजिटिव एक्स माइनस फोर, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का फोर का स्क्वेयर इक्वल टू 16। ठीक है, लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल आ गई है, तो इसका मतलब क्या है कि जो एफ कंपोजिशन जी है वो क्या है हमारा, कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे, दस एफ कंपोजिशन जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे। अब हमने क्या निकालना है, जी कंपोजिशन एफ, क्वेश्चन हमें किया गिवन है एफ कंपोजिशन जी निकालना और जी कंपोजिशन एफ निकालना, तो एफ कंपोजिशन जी तो हमने निकाली वो तो कंटिन्यूस है, अब हमने ये चेक करना है कि जी कंपोजिशन जो एफ है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, जी इन टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो जी के हमारे पास वैल्यूज दो हैं, एक तो माइनस फोर है कब, जब एक्स जो है एक्स स्क्वायर हो जाएगा लेस देन ज़ीरो के, और एक हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, मतलब कि अब हमने एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर, जी की जो वैल्यू है जी में जो एक्स यहाँ पे है वो उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर मॉड इफ़ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर, जब एक्स स्क्वायर क्या है हमारा पॉजिटिव, क्योंकि हम जी में वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो जी जो जी में जो फंक्शन जहाँ पे एक्स है उसको हमने एक्स स्क्वायर पर रिप्लेस करना, जैसे पिछले में हमने किया, पिछले में हमने क्या किया था, जहाँ पे एफ था उसको जी वाले फंक्शन से रिप्लेस किया। ठीक है, अब हम लिमिट चेक कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो नेगेटिव जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स को नेगेटिव कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये वाला फंक्शन होगा हमारे पास एन टू माइनस फोर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस फोर के। राइट लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस जीरो पॉजिटिव जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस जीरो पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ पे है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर मॉड, लिमिट पुट करते हैं ज़ीरो माइनस फोर मॉड, माइनस फोर मॉड, जो मॉड जो होता है हमेशा नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव होता है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, फोर, क्योंकि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल नहीं है, माइनस फोर नॉट इक्वल टू फोर, तो हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस होगा, सिंस लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो नेगेटिव जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट राइट लिमिट के इक्वल नहीं है, हेंस जी कंपोजिशन एफ आर डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। ठीक है बेटा, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अल्लाह हाफिज़।